मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानून का पालन न करने वालों के प्रति कठोर रवैया भी अपनाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार संभालते ही सबसे पहले अनावश्यक शोर पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने अवैध लाउड स्पीकर उतारने के आदेश दिए और साथ ही जो लाउड स्पीकर वैध है उनकी आवाज नियंत्रित करने का निर्देश भी दिया। इससे शोर में पर्याप्त कमी आई है। पढ़ने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को राहत मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही एक बड़ा आदेश जारी किया है और धार्मिक स्थान पर बजने वाले लाउडस्पीकर को बैन कर दिया। इसके बाद धार्मिक स्थानों पर तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर्स को हटाया गया अथवा उनकी आवाज नियंत्रित की गई। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश दिसम्बर माह में ही जारी कर दिए थे। मुख्यमंत्री का ये ऐलान ध्वनि प्रदूषण रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जनता की सेहत भी सुधरेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को राहत भी मिलेगी। शादी में डीजे के शोर पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब एक सीमा से अधिक आवाज में डीजे नहीं बजाए जा सकेंगे। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चलाए इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर को सत्ता की कमान संभालते ही पहले आदेश में धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर बैन करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक धर्म गुरुओं से बातचीत के बाद ही धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि लाउडस्पीकर से होने वाले शोर से इंसान के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। साथ ही इससे शरीर पर ब्लड प्रेशर, बेचैनी, मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसे प्रभाव पड़ते हैं। सीएम के निर्देश पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार ने उड़न दस्तों का भी गठन कर दिया। ये उड़न दस्ते नियमों के उल्लंघन की स्थिति में रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को सौंप रहे हैं। लेकिन सुकून की बात ये रही कि अधिकांश स्थानों पर विभिन्न समुदाय ने खुद ही आगे बढ़कर लाउडस्पीकर उतार लिए। ये पैसा जैसे बच्चों पढ़ते लिखते हैं, पेपर का टाइम रहता है और ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो आदमी को परेशानी आती है। 11 बजे के बाद ही आदमी सोने का टाइम होता है, जो ड्यूटी करते हैं दिन में तो सो नहीं पाते, दिक्कत होती है, परेशानी तो होती है। तो जो ये निर्णय है सही है, कोई गलत तो नहीं है। सब बहुत अच्छा हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए। बच्चे और बूढ़े लोगों को बहुत दिक्कतें थी, कई बीमारियाँ फैल रही थी, लोगों को अटैक आना, ये होना, वो होना। इससे मैं सहमत हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला कानून सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल के लिए पहले से ही गाइडलाइन तय कर रखी है, जिसके तहत लाउडस्पीकर की आवाज की एक सीमा तय की गई है। लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी एक निश्चित समय सीमा भी पहले से तय है। इस दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह 6 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है, जबकि रात 10 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस पर पाबंदी है। ऐसे में अगर कोई रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 30 आवास को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। तो उन्होंने अच्छा फैसला लिया है कि जो लाउडस्पीकर के लिए कि रात में मतलब 10 बजे तक का जो है उसमें बच्चों की पढ़ाई वगैरह और अभी एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के, तो उसमें अच्छा फैसला है ये। उससे मतलब जनता भी जो अपने सब लोग हैं तो उससे सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध लाउडस्पीकर्स पर बैन लगाने का ऐलान किया था। इसमें शादी के समय बारात में बजने वाले डीजे भी शामिल हैं, जिनकी तेज आवाज से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सीएम ने किसी तरह की अफरा तफरी से बचने के लिए ये भी साफ कर दिया कि जो वैध लाउडस्पीकर है उन्हें तय डेसिबल सीमा और तय समय पर संचालित करने की अनुमति होगी। यानी ये आदेश सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अनियमित
और अनियंत्रित लाउडस्पीकर्स और डीजे के इस्तेमाल पर ही लागू होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 अलग अलग इलाकों के आधार पर साउंड के मापदंड तय किए हैं। इसमें कमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंस और इंडस्ट्रियल इलाके शामिल हैं। सीएम के आदेश के बाद अब इन सारे इलाकों में शांति है।